लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सलाम साहब। सलाम। वो साला ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए लेट हुआ। ये लो। कोई बात नहीं। नाम? मनोहर देशमुख। सुपर सिनेमा के बाहर सैंडविच का गाड़ी लगा था लेकिन असल में जस्टिस चौधरी का इन्फॉर्मर है। लास्ट टाइम जस्टिस चौधरी ने हमारा जो 10 करोड़ का ड्रग्स पकड़वाया था उसकी इन्फॉर्मेशन इसी ने दी थी। इस बैग में 10 लाख रुपए और उसकी फोटो है। ठीक है, काम हो जाएगा।
है तेरा? मनोहर देशमुख साहब। चल पुलिस स्टेशन चल। लेकिन मैंने क्या किया? अब लग जा रहा। जास्ती जवान नहीं चलाने का, समझा? मुझे छोड़ दे साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब। अच्छा, कदम के सामने अच्छे अच्छे बोलते हैं, जा। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, क्या है? मैं इंद्रानगर से आया हूँ। तो? मेरी बस्ती के एक लड़के को आपकी पुलिस गिरफ्तार करके लाई है, मैं उसकी जमानत के लिए आया हूँ। उसका नाम क्या है? मनोहर सिंह। मनोहर सिंह? इस नाम का तो कोई भी लड़का हमारे पुलिस स्टेशन में नहीं है, नहीं है ना? नहीं है सर। नहीं भाई, यहाँ नहीं तो कौन ले गया उसे? कंधे पर स्टार बढ़ाने के लिए आजकल पुलिस वाले किसी भी बेगुनाह आदमी को एनकाउंटर में मार देते हैं। मेरी बात मान बेटी, तो सीधे जस्टिस चौधरी के पास चली जा, इस केस में वही तेरे साथ न्याय कर सकते हैं। चौधरी साहब। चौधरी साहब, घनश्याम जी आपसे मिलन चाहते हैं। क्या बात है? इनके भाई के ऊपर मर्डर केस चल रहा है, कल अदालत में आखिरी फैसला है। सामने वाला पार्टी जज से बात कर चुका है, अगर फांसी की सजा तो नहीं लेकिन उम्र कैद की सजा हो जाने का पूरा चांस है। तो हम क्या कर सकते हैं? मेरा भाई निर्दोष है चौधरी साहब, रघु शेट्टी ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मेरे भाई को झूठा फंसा दिया, उसे आप ही बचा सकते हैं। चौधरी साहब, 10 लाख रुपया लाए हैं। ये रुपए अपने पास रखो, जब तुम्हारा भाई अदालत से बाइज्जत बरी होकर आ जाएगा तो ये रुपए वृद्धाश्रम में दे देना। ठीक है सर, मेरा भाई तो बच जाएगा। निश्चित होकर घर जाओ। थैंक यू सर। चौधरी साहब, आप कहें तो इंक्वायरी कर लें। काहे की इंक्वायरी? यही कि इसका भाई वास्तव में निर्दोष है भी कि नहीं। छोटन, माई के दूध और मजबूर इंसान के आंसुओं में मिलावट नहीं होता है। घनश्याम का भाई निर्दोष है। मैं जस्टिस चौधरी जी से मिलना चाहती हूँ। कौन हो तुम? क्या बात है? जो बात है मैं उनसे ही कहूंगी। कहिए, मैं हूँ जस्टिस चौधरी। सुना है आपकी अदालत गरीबों और मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए है। ठीक सुना है तुमने। मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ जरूर न्याय करेंगे। पुलिस के अत्याचार ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। चौधरी साहब, लागत है मनोहर देशमुख की बहन है। ठीक कहा आपने, जिस मनोहर देशमुख को इंस्पेक्टर कदम ने गिरफ्तार करके एनकाउंटर में मार डाला वो मेरा भाई था। जब कानून का रखवाला ही हत्यारा हो फिर कानून की अदालत में इंसाफ की क्या उम्मीद की जा सकती है? इसलिए
मैं आपके पास आई हूँ। ऐसा इंसाफ चाहती हूँ? उसके हाथ पैर कटवा डाले, सारी जिंदगी ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगता रहेगा। इससे मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ खून का बदला, खून। छोटन, चौधरी साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। चौधरी साहब, मुझे माफ कर दो, मैं मुझसे अनजाने में गलती हो गई है। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपके पैर पड़ता हूं। मैं तेरे लिए माफी के सारे दरवाजे बंद हो चुके कदम, क्योंकि जस्टिस चौधरी की अदालत में तेरी मौत का फैसला हो चुका है। अदालत की रस्म है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, मगर तू वो भेड़िया है जिसके लिए ये रस्म जरूरी नहीं। अरे काय का जस्टिस है तुम्हारा? अरे काय का चौधरी हो तुम? अरे कौन सा इंसाफ है? अरे तुम एक रिवॉल्वर लेकर बैठे और इतने सारे आदमी, और मैं एक निहत्ता। अरे मार दो तो मर से लड़कर दिखाओ। तुम बस लो कायर हो तुम। चौधरी साहब को चैलेंज कर रहे थे तो? नहीं छोटन, ये का जाने दो। तुझे गोली नहीं मारूंगा। तूने मेरी मर्दानगी को ललकारा था, इसलिए मैं अकेला और निहत्था आया हूं। इंस्पेक्टर कदम को कल जस्टिस चौधरी के आदमी रेस्टोरेंट से उठाकर ले गए। मुझे तो लगता है कि हो ना हो इस कत्ल के पीछे जरूर जस्टिस चौधरी का हाथ है। क्यों ना हम उसे गिरफ्तार कर ले? ओए सिंह, तू बात नहीं समझता यार, तुझे कानून का नहीं पता है।
बिना सबूत और गवाह के हम किसी को गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। फिर जस्टिस चौधरी तो हमारा काम कर रहा है, जो हम वर्दी में रहकर काम नहीं कर पाते वो तो बगैर तनख्वाह के काम करता है और सरकारी चाय भी नहीं पीता। और फिर कदम तो इतना कुत्ता कमीना जलील था, हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर एक बदनुमा धब्बा था वो कमीना। ओ क्या शेर याद आया कदम के ऊपर, शेर सुनाऊं? सही सर। ओ छोड़ दे यार, कदम जैसे कुत्ते आदमी के ऊपर तो शेर बेस्ट हो जाएगा। ओ यार ये भी शेर हो गया यार। वाह, ओ तू जाने यार, काम करने। इंस्पेक्टर कदम खुद पेशेवर कातिर था, सुपारी लेके साला किसी को भी टपका देता था, लेकिन जस्टिस चौधरी उससे कतरी सुपारी की तरह इस तरह से चबा गया किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन इंस्पेक्टर कदम का मौत अपन लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में ये सबको मालूम है कि इंस्पेक्टर कदम ठकराल कंपनी का पालतू कुत्ता था। एक कुत्ता मर गया तो क्या हुआ चाचा, पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे बेईमान पुलिस ऑफिसर हैं। लेकिन इस जस्टिस चौधरी का क्या करें, जो हमारे रास्ते में हर कदम पर रेड सिग्नल बनकर खड़ा है। बाजार में जब नई वेश्या आती है ना तो हर एक की जुबान पर उसका नाम होता है। ये जस्टिस चौधरी भी जुर्म की दुनिया का नया खिलाड़ी है, इसीलिए चर्चे में है। जरा बड़े भैया को दुबई से आने दो, फिर देखना गेम कैसे पलटी हो जाता है। दीदी कहाँ थे तुम इतने दिन? आपके लिए बुक लाने गया था। बुक मेरे लिए? ओके नॉट बैड, चलो घर चलते हैं। इंस्पेक्टर कदम की मौत की खबर तो तुमने अखबार में पढ़ ली होगी। दुख जब जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो उसे हंसकर गले लगा लेना चाहिए। मनोहर तो अब वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी बाकी है, अपने आप को संभालो। छोटन ये लीजिए, ये पैसे रख लो, और अगर जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बिना झिझक मेरे पास आ जाना। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए जीवन भर मैं आपकी आभारी रहूंगी, लेकिन ये पैसे मैं नहीं ले सकती। देखो मैं मानता हूं कि तुम एक खुदा लड़की हो, लेकिन पैसा इंसान के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। रख लो, तुम्हें काम आएंगे। जबरदस्ती ना ही करो छोटा, ये लड़की हमारी नजर में महान भी है और धनवान भी। जाना था क्यों? क्योंकि ये के पास संसार की सबसे बड़ी दौलत है और वो है आत्मसम्मान। मैं ऐसे लोगों की कदर करता हूं जो अपनी जिंदगी का बोझ खुद अपने कंधे पर उठाना चाहते हैं। मैं बीए पास हूं, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कहीं नौकरी दिलवा दीजिए। आजकल सिफारिश के बगैर कहीं जॉब मिलता नहीं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं। डोंट वरी, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। चलती जींस टाइट, जींस के ऊपर टी शर्ट वाइट, देखो इसके लेफ्ट राइट, ये लड़की गए डायनामाइट, 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 डायनामाइट। पहले की चलती जींस टाइट, जींस के ऊपर टी शर्ट वाइट, कपड़े हैं ये टाइट टाइट, मैं लड़की हूँ डायनामाइट,
बढ़ती कम फैशन ज्यादा दिखती ये कोई दादा चाल ढाल से लगती है लड़की कम लड़का ज्यादा बढ़ती कम फैशन ज्यादा दिखती ये कोई दादा चाल ढाल से लगती है लड़की कम लड़का ज्यादा कौन राहुल बाबा हाँ हाँ एक सेकंड राहुल बाबा का फोन है हेलो हैप्पी बर्थडे दोस्तों के साथ मजा कर रहा है ना अरे हमका माफी दे दो मंत्री के साथ मीटिंग है शाम को जरूर आऊंगा अरे हाँ जरूर आऊंगा हाय बाय भैया आई एम वेरी हैप्पी क्या आप आ गए अरे हम तो सोचे रहे कि आप आएंगे ही नहीं अरे तूने ऐसा कैसे सोच लिया तो हर जन्मदिन है और हम ना ही आएंगे हाँ चल के एक काट हैप्पी बर्थडे टू माय लवली ब्रदर इलो माई अरे माई भैया इतने प्यार से खिला रहे खा क्यों नहीं लेती जॉन हार्ट अनगिनत लोगन के खून से रंगे हैं उन हाथों से भला हम केक कैसे खा सकत हैं नो प्रॉब्लम तू हमारे हाथ से बाद में खा लेना लेकिन माई आज हम दोनों भाई तोरे हाथ से खाना खाएंगे हाँ ना ही राहुल हम खाना नहीं खाएंगे तेरे जन्मदिन के बहाने माई के दर्शन हो गए पेट भर गया माई के हाथ का खाना हर बेटे के मुकद्दर में ना ही होता है लेकिन भैया अच्छा हुआ भैया आप दुबई से जल्दी आ गए क्योंकि पानी अब सर से बहुत ऊपर उठ चुका है। चौधरी की वजह से अपन लोग का धंधा बंद करना पड़ा अब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है डैड अपना मुंबई सेंटर उस जस्टिस चौधरी ने एमएलए को पटाकर बंद करवा दिया अजगर ठकराल नाम है मेरा मैं काटता नहीं सीधा निकल जाता हूं जस्टिस चौधरी को तो बाद में देखेंगे पहले उस पीड़ को मिलते हैं क्या नाम बताया उसका उसकी मां का विपिन शाह सबसे पहले विपिन शाह को मिलना पड़ेगा ए, तुम्हारा नाम विपिन शाह है हाँ मेरा नाम विपिन शाह है क्या बात है इंस्पेक्टर साहब जिस बिजनेसमैन को मारने की तुमने सुपारी दी थी वो गुंडा हमारी हिरासत में ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब मैंने किसी को कोई सुपारी नहीं दी थी तुम्हारी शनाख्त करने के लिए हम उसे अपने साथ लाए हैं लेकर आओ
मुझे माफ कर दो सरकार साहब, मुझे माफ कर दो। आपके भाई ने जो 1 करोड़ मांगे थे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्यों बे, तू जस्टिस चौधरी के पास मैटर लेके गया था ना? अब बोलो को फोन लगा के ये ठकराल तेरे सामने मौत बनकर खड़ा है, अगर उसमें हिम्मत है ना तो आके छुड़ाए। जी हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। सुना तुम लोगों ने, अब ये खोखा देने के लिए तैयार है, इसे भूल हो गए, छोड़ दो छोड़ दो। ठगराल को सामने देखते ही सट गए साले की। तुम्हारे लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, जो कहना है कहो। चौधरी, मैं ये बताने आया हूँ कि हम दोनों एक ही धंधे में हैं, आपस में लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं। तुम चाहो तो हम बैठकर फैसला कर सकते हैं, अपना अपना इलाका बांट सकते हैं, और ये फैसला भी कर सकते हैं कि आज के बाद हम तुम्हारे रास्ते नहीं आएंगे और तुम हमारे रास्ते नहीं आओगे। मैं तुम्हारे पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। तुम्हारा मतलब मैं समझ गया हूँ अजगर ठकराल, मुझसे दोस्ती करके तुम अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आग और बारूद एक दूसरे से हाथ मिला ही नहीं सकते, और जब भी हाथ मिलाएंगे धमाका होगा, तबाही होगी। ये मत भूलना चौधरी कि मेरा नाम अजगर ठकराल है, अजगर जो अपने दुश्मन को डसता नहीं, सीधा निकल जाता है। लेकिन जस्टिस चौधरी अपने दुश्मन को निगलता नहीं, पालता है, खेलता है, क्योंकि पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड में अगर ऑपोजिशन ना हो मजा ही नहीं आता। और रही दुश्मनी की बात, तो मेरे सामने तेरी औकात इतनी भी नहीं कि मैं तुझे अपना दुश्मन समझूं। माना कि नेताओं की दलाली करके तू घाट कोबर का छोटा मोटा दादा बन गया है, मगर मेरी नजर में तेरी हैसियत इस पान के बराबर है, जिसे जब चाहूं चबाकर थूक सकता हूं। चौधरी जी नमस्ते। नमस्ते। छोटन जी आए थे, उन्होंने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी का बंदोबस्त कर दिया है। शुक्रिया। कमाल है, मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनाई लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई। बचपन से लेकर आज तक जिंदगी में दुखों के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला, शायद इसीलिए मेरे अंदर खुशी का एहसास मर गया है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे माता पिता गुजर गए, एक भाई था वो भी। तुम्हारा गम ऐसा है कि कोई बांट नहीं सकता, हर हाल में खुश रहने की कोशिश करो, जीना आसान हो जाएगा। ये लो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर बगैर इंटरव्यू के? मैं जिसे रिकमेंड करता हूँ उसे इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम चाहो तो कल ही से ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। क्या सरिता, चौंक गई ना अपन को देखकर कि अपन यहाँ कैसे आ गया? अरे आज ही जेल से छूटा, सीधा तेरे को मिलने को आ गया। क्यों, मानती है ना कि बाबू सन की तेरे को कितना प्यार करता है? उधर जेल में अपन को मालूम पड़ा कि तेरे भाई को किसी पुलिस वाले ने टपका डाला है, सुन के बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। अभी तो तू एकदम अकेली हो गई होगी, और अपन अपन तो साला पैदाशी से अकेला है क्या? एक बात बोलू, अपन दोनों शादी बना डालते हैं क्या? मैं तुम्हें पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ कि मेरे पीछे मत आओ, तुम जैसे आवारा मवाली से मैं बात करना भी पसंद नहीं करती, समझे? अभी एक बात गौर से सुन, शादी तो तू अपन के साथ ही करेगी, क्योंकि एक बार जो चीज बाबू सनकी को पसंद आ जाती है वो उसके दिल में समा जाती है, समझी?
अभी तूने अपन को थप्पड़ मारा, बदले में अपन भी तेरे को तमाचा मारे, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अपन तो तेरा आशिक है और आशिक कभी अपनी महबूबा पर हाथ नहीं उठाते, क्यों भाई लोग? सही है भाई। अरे हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, आएगे नहीं? अरे है तो फिर गाओ ना अपन के साथ, ऐसा दूर दूर काहे को खड़े ले यार। अरे हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, अरे चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। ए, एक बात सुन, तैयार रहना कल, कल आएगा अपन शादी का जोड़ा लेकर, सिद्धि विनायक मंदिर जाने का है शादी बनाने के वास्ते, इंतजार कर, समझे क्या? अरे चाहे तू माने चाहे ना माने। अरे जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन, वो जगह लेडीज बियर बार के लिए बहुत अच्छी है, शक्ति को पहले प्यार से समझा, और अगर प्यार की भाषा उसके समझ में नहीं आती तो कन पट्टी पे उसके रिवॉल्वर लगा के साइन करवा ले, समझा? बाकी सब मैं देख लूंगा, जैसे कब छुटा दे। आज ही छूट के आ रहे भाई, अब क्या इरादा है? अब ये छोटी मोटी डबोरी गिरी छोड़ देने का भाई, बस आपके साथ ही काम करने का, यही सोच क्या है? ठकराल कंपनी में इतनी आसानी से एंट्री नहीं मिलती, समझा? बाबू जगदीश ठीक बोलता है, पहले कुछ काम करके दिखा, फिर ठकराल कंपनी का बिल्ला तेरे कंधे पे लगा दूंगा। ठकराल सेठ, मर्डर से बड़ा क्या क्राइम होएगा? बोलो ना किसको ठोकने का, अभी ठोक के आता हूँ। वक्त आने पर बोलूंगा भाई, वो एक 20,000 रुपया होना मेरे को, विक्की से 20,000 रुपये दे दे। मगर भाई इसे पूछो तो सही, 20,000 रुपये लेके ये करेगा क्या? बियर बार के किसी डांसर पर जाकर लुटा देगा और क्या। नहीं सेठ, क्या सेठ, कल अपन की शादी है, वो अपन की छावी है ना, उसको थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कराने का है इसके लिए। एडवांस में मुबारक हो शादी की बाबू। थैंक यू सेठ, एंजॉय योरसेल्फ। सलाम। अरे आपने इस टपोरी को यूं ही 20,000 क्यों दे दिया? तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा, ऐसे छोकरे बहुत काम आते हैं अपने धंधे में, ये तो मैंने खाली रिवॉल्वर में गोली भरी है, आगे चल के इस्तेमाल करूंगा। ए जादू तेरी नजर, ए खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर। ए सरिता, ए देख बाबू सनकी आयला क्या, किधर है तू? ए एक पान खिलावा हो छोटन। ये लीजिए चौधरी साहब, ये का जरा इस पान का मतलब समझाई दो। चौधरी साहब हमेशा कत्था और चूना वाला पान खाते हैं, जाना तो का है, इसलिए कि कत्था और चूना वाला पान खाए से मुंह लाल हो जाता है, और तुझ जैसे सड़क छाप रोमियों का मुंह चौधरी साहब बिना पान के ही लाल कर देते हैं। ई गंदा नाली के कीड़ा पर चौधरी साहब आपका हाथ उठाना ठीक नहीं, ई का हम बतावत है कि एक इज्जतदार लड़की पर बुरी नजर डाले के अंजाम का होता है। छोटन, ये का मारे के कोनो जरूरत नहीं, अगर जिंदा रहना चाहता है तो अभी यह शहर छोड़कर चला जा, वरना जस्टिस चौधरी सिर्फ एक ही बार माफ करता है, दूसरी बार माफी नहीं मौत मिलेगी, छोड़ दो। चला Hey!
कम ऑन, चलो रिपोर्ट हो गया। कम ऑन, नहीं राहुल मुझे नहीं तैरने अभी। कम ऑन, नहीं राहुल, नो राहुल नो। अब तो ऐसा लगता है इंस्पेक्टर साहब कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं रही। गुंडा राज हो गया यहाँ, कोई भी नया धंधा स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। कम टू द पॉइंट प्लीज, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अभी हाल ही में मैंने एक होटल खोला है जिसके लिए मुझे बिपिन ठकराल का फोन आया। उसने मुझसे 50 लाख रुपया प्रोडक्शन मनी मांगा है और मुझे ये धमकी भी दी है कि अगर मैं ये पैसा उसे नहीं देता हूं तो वो मुझे जान से मार डालेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसको पैसे दे दो, आपकी जान बच जाएगी। दैट्स इट, वेरी सिंपल। आप एक पुलिस ऑफिसर होकर ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए पुलिस इस केस में कुछ नहीं कर सकती। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 2 गनमैन दे सकता हूं जो आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। दैट्स इट। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूं कि आप यहां से सीधा जाइए जस्टिस चौधरी के पास और हमारा सलाम भी बोलना और उसको जाके कहना पाजी पाजी बड़ी प्रॉब्लम में हूं, तकलीफ में हूं। वो आपकी तकलीफ को दूर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। आप शायद ठीक ही कह रहे हैं। बोलिए जय माता दी। जय माता दी। गॉड ब्लेस। थैंक यू। यार ये जस्टिस चौधरी हमारे डिपार्टमेंट में क्यों नहीं है, समझ में नहीं आता। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अजगर ठकराल का भाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस चौधरी जुर्म के भयानक जंगल का शेर है और जो एक बार शेर की पनाह में आ जाता है भेड़िए उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। जाइए छोटन। समझ गए चौधरी साहब। क्या बात है चौधरी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? चाहता तो इसकी लाश तुम्हें भिजवा सकता था लेकिन मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसलिए जिंदा छोड़ दिया। तुम्हारे इस पिल्ले को घर ले जाकर समझाओ कि आज के बाद संपत जैन से हफ्ता वसूलने की कोशिश नहीं करे, वरना इसकी मूछे काटकर साड़ी पहनाकर सारी जिंदगी ताली बजाने पर मजबूर कर दूंगा। क्या पीस है, ऊपर से नीचे तक अंगार ही अंगार है। ए बेवड़े धीरे बोल, जानता है कौन है ये? जस्टिस चौधरी की अगर किसी ने सुन लिया ना तो अपना मैटर सीधा जस्टिस चौधरी तक जाएगा। अरे नहीं नहीं दाल साहब, आपका काम हो जाएगा। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है जी। बाय। इस सरिता जी के मकान का पेपर है, आपने कहा था इसलिए हम निकलवा लिए हैं। ठीक है, एक अपने पास रखो। माँ का कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें देखकर ही अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन अंजलि एक प्रॉब्लम है, मेरे भैया है ना जरा सख्त इंसान है, वो जल्दी किसी से इंप्रेस नहीं होते। What do you mean? अगर वो नहीं इंप्रेस होंगे तो तुमसे शादी? Yes. मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि भैया मेरे पिता समान है। बचपन से लेकर आज तक मेरे जिंदगी का हर फैसला उन्होंने किया है। राहुल एक बात तुम ठीक से समझ लो, मैंने जिंदगी का हर फैसला खुद किया है। अगर तुम्हारे भाई साहब मुझे रिजेक्ट कर दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं और तुम्ही से शादी करूंगी। ये मेरा आखिरी और अटल फैसला है। I like this. ये जुनून, ये दीवानगी, ये अदा, हम फिदा हो गए। You naughty. I love you.
और इसी बात पर एक प्यारा सा मीठा साउंड। अभी नहीं, चलो। चौधरी साहब आप आइए बैठिए। नहीं, बहुत परेशान लग रही। कुछ नहीं। ये लो। ये क्या है? तुम्हारे घर के कागजात। ये तो बैंक में गिरवी थे। मनोहर ने इस घर के नाम पर बैंक से जो लोन लिया था वो मैंने अदा कर दिया। लेकिन चौधरी साहब, मैं जानता हूं तुम क्या कहोगी। मैं तुम पर कोई एहसान करने नहीं आया, इसे कर्ज समझो और अपनी तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे जमा कर मुझे चुका देना। आपके उपकारों का बदला शायद मैं मरते दम तक चुका नहीं सकती, मगर आपसे एक विनती है चौधरी साहब, आज के बाद आप प्लीज मेरे घर मत आइएगा। क्या बकवास कर रही तुम? चौधरी साहब यहाँ किसी लालच में नहीं आते, इन पे शक करना भगवान पे शक करना दुरो बराबर है, समझे? जाओ यहाँ से छोटा। देखो हम वादा करते कि हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें यह बताना ही पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्यों कहा। बात यह है कि बस्ती वाले मुझे आप समझते हैं। देखिए, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, मगर मेरी नजर में आप एक देवता समान इंसान हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपकी बदनामी हो। एक लड़की की आबरू शीशे की तरह नाजुक होती है, इस पर एक बदनामी का छोटा सा पत्थर भी गिर जाए तो टूटकर चकनाचूर हो जाता है। एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करा देता हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है चौधरी साहब, मेरे माथे पर जस्टिस चौधरी की का लेबल लग चुका है, अब कौन करेगा मुझसे शादी? और आपने अपनी ताकत के बल पर मेरी शादी करवा भी दी, तो मेरा होने वाला पति मुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा, वो मुझे आपकी जूठन ही समझेगा। मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? आपने शादी कर ली? What a pleasant surprise भैया। Congratulations, congratulations। Thank you। आप दोनों को शादी बहुत बहुत मुबारक हो। माय, एक लड़की जिसका परिवार ना हो, कोई अपना ना हो, उसके लिए दुनिया नर्क से भी बदतर है। माय, सरिता एक अकेली और बेसहारा लड़की है, इसलिए हमने इसका हाथ थाम लिया है ताकि इज्जत से जी सके। हम जाना थे माई, हमको आशीर्वाद देने के लिए तू अपना हाथ हमारे सर नहीं रखेगी, लेकिन अपनी बहू को तो आशीर्वाद दे सकती है ना। अच्छा हुआ बहू, जो तू ही का जीवन में आ गई। हो सकत है तेरे आए से ही का जीवन में कौनो परिवर्तन आ जाए। ई तो समझत है कि ई का माई इससे प्यार ही नहीं करत। तू ही बता बहू, भला कौनो माई अपने बिटवा से नफरत कर सकत है का? हम तो इके पैसे से नफरत करते हैं बहू। खैर,
अब तू आ गई है, अब तू ही एका समझा। हमरी तो कोनो बात नहीं खे मानत। माँ प्लीज, आज के दिन नो लेक्चर। अरे आज तो भैया की शादी का दिन है, आज तो कुछ जश्न होना चाहिए, कुछ हंगामा होना चाहिए, है ना भैया? है ना? वेलकम वेलकम डोगरा साहब, योर एक्सलेंसी। थैंक यू। आइए। ये क्या है, आज तुम्हारा जन्मदिन है? नहीं डोगरा साहब, मेरा जन्मदिन नहीं है,
जन्मदिन तो आपका है और हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दरअसल भाई को मालूम था कि आज आपका बर्थडे है, इसलिए आप लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं आपको सरप्राइज दिया जाए। और आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान भगवान के बराबर होता है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई लाइक इट। आई लाइक इट। आई केक काटिए। खून। मुझे खून की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अलग स्मेल ऑफ द ब्लड। वाह वाह ठकराल भाई, वाह क्या बात है। डोगरा साहब जैसा खतरनाक आदमी अपुन ने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, जो अपना ही हाथ काट कर खून सूंघता है। वाह ठकराल भाई, अगर आप दोनों मिल जाए ना, आखिर मुंबई के ऊपर राज करेंगे और जस्टिस चौधरी के नाम का पाटिया तो यो 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 उड़ा देंगे। मुझे शोर शराबे से नफरत है। आप लोग मेरा जन्मदिन मनाना चाहते थे ना, मनाइए, कहिए Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। सबसे ज्यादा मुंबई को आर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाना चाहते हैं, यहीं से हम पूरे हिंदुस्तान को आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डोगरा साहब, आजकल मुंबई से ये काम करना इतना आसान नहीं है। जस्टिस चौधरी हमारे हर कदम पर रास्ते की रुकावट बनकर खड़ा है। गलत। अगर जुर्म की दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है तो हर रुकावट को तोड़ना सीखो। जस्टिस चौधरी को खरीद लो और कोशिश करो कि वो हमारे इस आर्म्स के बिजनेस में 25% का पार्टनर बन जाए, और अगर वो इनकार कर दे तो हमें बताना, हम तुम्हें बताएंगे कि रुकावट को कैसे तोड़ा जाता है। क्योंकि डीडी डोगरा वो कोबरा है जिसका डसा हुआ आदमी ऑन द स्पॉट मर जाता है, उसका दी एंड हो जाता है। हम जानते हैं चौधरी साहब कि आपने टेलीविजन पर नहीं बल्कि डीडी डोगरा के सीने पर गोली मारी है। इसके पीछे जरूर कोई बात है। हमारे साथ तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हम तुमको छोटा भाई मानते हैं छोटा, इसलिए आज हम तुमको सब कुछ बताएंगे। बहू जी। माँ जी, अरे हमरे बैग में दवाई ववाई ठीक से रख दी है ना? जी माँ जी, मैंने सब कुछ ठीक से रख दिया है। बहू राहुल नजर नहीं आवत। भाई आया। तू तो लड़की की तरह तैयार होने में 1 घंटा लगावत है। अच्छा ये बता, गाड़ी गैराज में ठीक से चेक करा ली ना? भाई गाड़ी बिल्कुल ठीक है, अब कोनो प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। राहुल भैया, माँ को रास्ते में ढाबे में कुछ खिलाना पिलाना नहीं? तुम हो हमारे साथ चलत तो कितना नेक होत है, पर आजकल तुम हमें कौनो बात नहीं खे मानत। तुम तो जानत हो हमार तबीयत ठीक नहीं, इसलिए घबराहट होत है। रास्ते में अगर कुछ हो गया तो तुम सब परेशान हो जाओगे। अच्छा तो हम चलत हैं। संभाल के जाइयो। अच्छा माँ जी। जीती रह बिटिया, बहू का ध्यान रखना। अच्छा बाबूजी। अरे कहाँ जा तुम्हारी,
बबुआ हम राहुल के साथ शिरडी जाते हैं, कल शाम तक वापस आ जाएंगे। अचानक ही जाने का प्रोग्राम कैसे बनाई ली? अरे पहले बता दिया तो हम भी तुम्हारे साथ चलते। वो का है बिटुआ, कल रात हमारे सपना में साईं बाबा आए रहन, सो अचानक जाने का मन बनाई लिए। ठीक है, तुम जाई के आ जाओ, अगले हफ्ते हम लोग प्रोग्राम बनाई ले। ठीक है बबुआ, जीता रहे। ए राहुल, तेज गाड़ी नहीं चलाना। जी भैया। चलो। कैसा तबीयत है? ठीक ही है बेटा, लेकिन सवेरे से ब्लड प्रेशर तनिक हाई हो गया। हम डॉक्टर गुप्ता को बुलाई लिया है। He's coming to see you. अच्छा, आ बेटा। ये बताइए, आपकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह है कि नहीं? अरे जगह की बात कर रही हो मैडम, ये पूरी जिंदगी आपकी है। ये सब तो बस कहने की बातें हैं। दिन भर तो आप अदालत में रहते हैं और घर आने के बाद टीवी लेके बैठ जाते हैं। लोग सच ही कहते हैं कि मियां बीवी का प्यार शादी के बाद कम हो जाता है। अरे मैडम, लोग गलत कहते हैं, शादी के बाद प्यार कम नहीं बढ़ जाता है। मुझे देखो, शादी के बाद मैंने पार्टी में जाना ही बंद कर दिया। किसके लिए? तुम्हारे लिए, है ना? वो तो है। खत्म। अरे एक मिनट, आपके लिए कोई कुछ लेकर आया है। ये रहा वो गिफ्ट। मैं डीडी डोगरा बोल रहा हूं, तुम्हारी अदालत में मेरे भाई की सुनवाई है, वो भाई इज्जत बरी हो जाना चाहिए। इस ऑडियो कैसेट के साथ तुम्हें 10 लाख रुपए मिल गए होंगे। शंकर के छूटने के बाद मैं तुम्हें 10 लाख रुपए और दूंगा। एक बात ध्यान से सुनो राज प्रताप, तुम्हारे परिवार की जिंदगी मेरे भाई की रिहाई के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए कल अदालत में सोच समझ कर फैसला सुनाना। हाँ, समझ गया ना? पुलिस ने अदालत के सामने जो सबूत और गवाह पेश किए हैं, उससे यह साबित होता है कि मुलजिम शंकर डोगरा लुटमार और कत्ल के अलावा गैर कानूनी हथियारों का धंधा भी करता था, इसलिए अदालत उसे देशद्रोही करार देते हुए ताजिरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। मेरा भाई तुम्हें बर्बाद कर देगा। मुझे खून की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। आई लव दिस स्मेल ऑफ ब्लड। क्या? ओह, समझ गया। तू ये कहना चाहता है कि तेरी जान ले लूं, इनकी जान छोड़ दूं? नहीं, ऐसा मेरी किताब में नहीं लिखा है। जैसा तूने अपनी अदालत में मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी ना, आज वैसे ही मैं अपनी अदालत में तेरी बहन, तेरी बीवी, तेरे बाप को सजाए मौत देता हूं। हाँ, देख अपनी इन आंखों के सामने देख। इनकी मौत का लाइव शो ये देख। हम अपना फर्ज
और ईमान नहीं बेच पाए, जिसके कारण हम अपनी बीबी बहन और पिता को खो दिया। सच्चाई के रास्ते पर चलने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हमको। उसके बाद हमारी जिंदगी का एक ही मकसद था, डीडी डोगरा की तलाश। डोगरा तो हमको नहीं मिला, लेकिन एक दिन उसका छोटा भाई हमको मिल गया। बता तेरा भाई टुकड़ा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बता दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो इस वक्त इंडिया में नहीं है। वो कब आएगा? वो कब आता है, कब जाता है, वो अपना प्रोग्राम किसी को नहीं दिखाता, किसी को नहीं बताता। पुलिस और कानून से भागते भागते हम थक चुके थे कि एक दिन जहांगीर खान हमसे अचानक टकराया। वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन था। उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि अगर अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहते हो तो मेरी पनाह में आ जा। जहांगीर खान के रास्ते पर चलते चलते हम यहां तक पहुंच गए। हमका विश्वास था कि डोगरा एक दिन इस रास्ते पर हमसे जरूर टकराएगा। ऊंट डोगरवा को ऊपर भेजने का काम चौधरी साहब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। 24 घंटा के भीतर भीतर उस साले का सर काट कर आपके कदमों में नहीं डाल दिया तो ये छोटन शुक्ला कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। नहीं छोटन, पहले हम उसके तीनों भाई की चिता जलवाएंगे, उसके बाद उसकी अर्थी उठेगी। चौधरी साहब, ठकराल साहब के यहां से फोन है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कल शाम की मीटिंग फिक्स कर दो। ठीक है। तुम यही चाहते हो ना कि हथियारों के धंधे में मैं तुम्हारा और डोगरा का साथ दूं। चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? डोगरा से मैं अकेले में कुछ बिजनेस की बात करना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी मीटिंग डोगरा से करवा देता हूं। रही अब ये परसेंटेज की बात, तो ये 25% नहीं बराबर की हो। बराबर की? मंजूर है। 50% ठीक है, ये हमारे डीलिंग में जसवीर चौधरी हमारा साथ दे रहा है। उसे शायद ये मालूम चल गया होगा कि डीडी डोगरा वो शख्स है जिसको अंडरवर्ल्ड वाले ब्लैक कोबरा के नाम से जानते हैं। वो ब्लैक कोबरा जिसके डसने से ऑन द स्पॉट इंसान की मौत हो जाती है। डोगरा साहब, वो ये भी अच्छी तरह से जानता है ये अजगर ठकराल जहरीला सांप ही नहीं
बल्कि शेर से भी ज्यादा खूंखार है। वो कसता ही नहीं बल्कि सीधा ही निकल जाता है। It is good day, great day. जस्ट चौधरी हमारा दोस्त बन गया। Let's celebrate. Sure. जश्न होना चाहिए। Sure. पहन के ये चूली ये घाघरा निकलूं जो मैं पहन के ये चूली ये घाघरा ओ मेरी उंगली पे नाचे हाय हाँ मेरी उंगली पे नाचे ये दिल्ली आगरा निकलूं जो मैं पहन के ये चूली ये घाघरा निकलूं जो मैं पहन के ये चूली ये घाघरा हम मेरी निकलूं जो मैं पहन के ये चोली ये घाघरा रे ये बूटेदार चोली मेरी लहंगा गोटेदार आशिक हजार पहन के ये चोली ये घाघरा निकलूं जो मैं पहन के ये चोली ये घाघरा रे मेरी उंगली पे नाचे ये दिल्ली आगरा निकलूं जो मैं पहन के ये चोली ये घाघरा निकलूं जो मैं पहन के ये चोली ये घाघरा डोगरा समय किस तरह अपने आप को दोहराता है अब अपनी आंखों से अपने भाई की मौत का लाइव शो देख ले ओ,
मुझे बचा लो भैया, ये लोग मुझे मार डालेंगे भैया। डोगरा, आई विल नॉट किल यू नाउ, क्योंकि तुझे अपने एक और भाई की लाश का बोझ उठाना है। उसके बाद मैं तेरी जिंदगी की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। आपके भाई की मौत की खबर सुनकर हम सबको बेहद दुख हुआ है, लेकिन इसे एक बात तो साबित हो गई, इस साला जस्टिस चौधरी न मर्द न पुंसक है जिसने कार की तरह पीछे से हमला किया। डोगरा साहब के भाई की हत्या यानी ठकराल कंपनी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। भाई आपुन तो कहता है कि जस्टिस चौधरी के आदमी पर आजी से फील्डिंग लगा डालते हैं और मौका पाते एक एक करके सालों को टपकाना शुरू कर देते हैं। नहीं, जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है उसी तरह गुस्सा इंसान की अकल को निगल जाता है। जो उनकी दुनिया में रहने के लिए सिर्फ शेर का गुर्दा होना जरूरी नहीं है, उसके लिए बाज की नजर का होना भी जरूरी है। मैं डालियों को काटने में विश्वास नहीं रखता, मैं तो पेड़ को ही जड़ से उखाड़ कर फेंक देता हूं। आज के बाद जस्टिस चौधरी की मौत का स्विच कभी भी ऑफ हो सकता है। खून, मुझे खून की खुशबू बहुत अच्छी लगती है जस्टिस चौधरी। वाओ विकी, क्या लौंडिया बैठी है, वो भी अकेली? हाँ यार, बड़ी जबरदस्त लड़की है। चला देखते हैं, चल। हाय। कौन हो तुम लोग? खूबसूरत लड़कियां विकी ठकराली कमजोरी है। जिस तरह शराब को देखकर शराबी के दिल मचल जाता है, उसी तरह खूबसूरत लड़कियां देखकर विकी ठकराली के दिल में हलचल मच जाती है। You rascal, get lost. ये सुन, चल के चलते हैं। Hey, come on. Hey, you! Chalna. Leave my hand! Hey, Rocky! Le chal, let's go! जो मर्द होते हैं वो लड़कियों से नहीं, शेर के पंजों से खेलते हैं। तुम दोनों तो शक्ल से नामर्द लगते हो। तुझे भी नहीं मालूम तूने किससे पंगा लिया है। Non-violence! कृपाल सिंह के इलाके में गुंडागर्दी, मारा मारी, क्या रे? क्या? इंस्पेक्टर साहब, मेरी कोई गलती नहीं। ये कमीना मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा था, इसीलिए मैंने इसे मारा। अगर ये कमीना तेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा था तो तू पुलिस के पास क्यों नहीं आया? मारा मारी क्यों किया? हाँ? कानून को अपने हाथ में चुन लिया? हाँ? बोल। सर जी, ये जस्टिस चौधरी का छोटा भाई है। आई एम वेरी वेरी सॉरी बच्चे, तुझे लगी तो नहीं? नहीं। जस्टिस चौधरी साहब का छोटा भाई, शक्ल भी दोनों की मिलती जुलती है, कमाल है भाई। जाके जस्टिस साहब को मेरा सलाम बोला ऐसे। अब तू जा, जा, जा मेरे बच्चे। एक बात पूछूं? बोलना। उनके लिए आपके मन में इतनी श्रद्धा? भाई देखो क्या है, जो हम वर्दी में काम करते हैं वो वर्दी के बगैर काम कर देते हैं, हमारे काम कर रहे हैं। साला सलाम बोलना। ओके, जा जा। थैंक यू सर, थैंक यू। जस्टिस चौधरी द ग्रेट मैन, रब का खास बंदा है, कोई सलाम है सरकार। खैर भाई, तू लड़की नू छेड़िया। मेरे इलाके में गुंडागर्दी की, वो तो था जस्टिस चौधरी का छोटा भाई, और अब तू किस कमीने का बेटा? मुझे हाथ लगाना तुझे बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि मैं आजकल ठकराल का बेटा हूं। मुझे गिरफ्तार करना तुझे बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा तुझे। ओ काका एमपी सिंह। यस सर। एक गलती दस, ये आदमी कह रहा है कि ऐ दा प्यो बड़ा खतरनाक है, बड़ा वड्डा कमीना है, हुन मैं की करा? सर,
इसे जाने दीजिए। जाने दूं? अगर तू अजगर ठकराल का बेटा नहीं होता तो मैं तुझे जाने देता। अब तो तू ठकराल का बेटा है, अब तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अब तो तुझे हवालात में हवा खानी पड़ेगी अजगर ठकराल के बेटे। गिरफ्तार कर लो इसे। साले मेरे इलाके में गुंडा गर्दी करते हैं, पकड़ लो इसको। अबे चल, अबे ले जा लड्डू। लड्डू क्या? उस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत कि मेरे भाई को लामा मारे, उसे लॉकअप में बंद कर दिया। तो शायद ये नहीं मालूम कि मैं कितना खतरनाक हूं। जो काटता नहीं सीधा निकल जाता है। उसकी वर्दी उतरवाने में मुझे उतना ही वक्त लगेगा। ए, गाड़ी निकाल, मुझे अभी उसी इंस्पेक्टर से मिलना है। मेरे ख्याल से आपको इस वक्त पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि अगर उस सरफिर इंस्पेक्टर ने आपको भी पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया तो इस शहर में हमारे नाम की जो दहशत है वो भी खत्म हो जाएगी। विकी और जगदीश दो दिन के बाद जमानत पर छूट जाएंगे, उसके बाद उस इंस्पेक्टर को भी देख लेंगे साला। हाँ टुकरा, मैं तेरे पास ही आ रहा हूं। आइए आइए टुकराल साहब, आइए इनसे मिलिए। ये है मिस्टर डेविड, डेविड गोम्स। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में सिर्फ 20 मर्डर कर चुका है लेकिन पुलिस आज तक इसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। वेरी मच्योर थिंकिंग डोगरा साहब, वेरी मच्योर थिंकिंग। मैं आपका मतलब समझ गया। दुश्मन अगर ताकतवर हो उसे तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से मारना चाहिए। वेरी गुड, यू आर राइट। मैंने इसे जस्टिस चौधरी की गेम बजाने की सुपारी दी है। गुड। देखो डेविड, किसी को यह खबर नहीं होनी चाहिए कि इस गेम में हमारा हाथ है तुम्हारे पीछे, समझे? डेविड जिस पार्टी की सुपारी लेता है उसका चेहरा तो क्या उसका नाम तक याद नहीं रखता, उसकी नजर तो सिर्फ अपने शिकार पर रहती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये लो, इसमें 5 लाख रुपया है और बाकी का 5 लाख रुपया जस्टिस चौधरी की मौत की खबर सुनने के बाद। एम आई क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी मिली खबरों के अनुसार देश के मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आज जब वो अपने घर से बाहर आ रहे थे कि तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी। उन्हें जख्मी हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपराधी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। हम बोलो, मुझे मालूम है तुम्हारा ये फोन है। मिस्टर डोगरा, आई हैव डन द जॉब। पुलिस मेरे पीछे लगी है इसलिए मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकता। मेरा बैलेंस मनी बोरीवली के कब्रिस्तान के पीछे भिजवा देना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा बैलेंस मनी मेरा भाई लेकर आ रहा है। लाश? इंसान जब जन्म लेने वाला होता है तो उसके दुनिया में आने का पता पहले से ही चल जाता है, लेकिन मौत के आने की खबर किसी को नहीं होती। हेलो डोगरा, मैं जस्टिस चौधरी बोल रहा हूं। तेरे लिए बुरी खबर है कि मैं जिंदा हूं, है ना? उससे भी ज्यादा बुरी खबर यह है कि तेरे भाई की लाइफ का कनेक्शन कट चुका है। अगर उसका अंतिम संस्कार करना चाहता है तो बोरीवली शमशान घाट के पीछे से उसकी लाश उठाकर ले जाना।
ये खून का छिड़काव नहीं है मेरे भाई, ये कसम है जो मैं तेरी लाश पर खा रहा हूं। जब तक मैं इसी तरह जस्टिस चौधरी की लाश पर अपने खून का छिड़काव नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस खून की कसम खाता हूं मेरे भाई, इस खून की। लड्डू सर। आहो जी। 3:05 पर कोई अच्छा सा काम होने वाला है मेरा। आहो जी। एक ट्रक आएगा 3:06 पे। आहो जी। उसको रोकना। आहो जी। एमपी सिंह। आहो जी। कल समझ आ गई। आहो जी। ए आवाज आ गई। 3:06 हो गए। आहो जी। इन्हू रोको लड्डू जा पाचा, इन्हू रोक। अबे ओ, गड्डी का दरवाजा खोल और नीचे उतर। क्या है गड्डी के अंदर? चलनी चोर सर। अरे क्या साहब, कुछ भी नहीं है। अरे नीचे उतारे। आ उतार, आ, उतार उतार नीचे। और चल चल, क्या 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 बोल रहा हूँ। चल दरवाजा खोल। अरे खोल रहा हूँ ना। अरे क्या क्या कर रहा है, दरवाजा खोल गड्डी का। अरे क्या साहब, और निकाल। अरे चल चल, खोल दरवाजा। 3:06 शुभ घड़ी आ गई है। लो देखो साहब। अरे खुदवाजा खोले। हाँ हाँ देखो। पंगा ले रे, जाति कोड के लिए तो शतीरानु जप है। दान दियांगा तेरे पन। वैसे हाँ मैं नॉन वायलेंट, समझा। कृपाल सिंह से पंगा मत लो, मैं बड़ा नॉन वायलेंट इंस्पेक्टर हूँ, पंगा मत लो। क्या हुआ? ओ मैंने नहीं जग्गू ने मारा। गंजरदा बीच तेरी। बेटा क्या हुआ, तू कहाँ से है? कहाँ से है मेरे बच्चे? तू कहाँ के मेरे बच्चे? पंजाब से। पंजाब का ऐसा कमीना काम करता है? आओ। दरेंद्र मोदी को जानता है? आओ। वैसा नाच करके दिखा। नहीं। तुनक तुनक तिन, तुनक तुनक तिन, दा दा दा, तुनक तुनक तिन, तुनक तुनक तिन, अब तेरी फटेगी। क्या? कमीज। अब नाच करके दिखा। नहीं। नहीं करेगा। नहीं करेगा, 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 नॉन-वायलेंट इंस्पेक्टर कृपाल सिंह। आज के मुख्य समाचार। हथियारों का ट्रक पकड़ा गया, उसका मुझे जरा भी अफसोस नहीं, क्योंकि ड्राइवर ने अपने बयान में यह कहा है कि वो दीदी डोगरा का ट्रक है। खुशी मुझे इस बात की है कि तुम दोनों जेल से रिहा हो गए। अभी घबराने की बात नहीं है, जज को पर्सनली मिलकर केस को रफा दफा कर दूंगा। लेकिन भाई, अपन उस इंस्पेक्टर कृपाल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस साले ने मुझे नंगा करके मारा है। घबराने की कोई बात नहीं है, उस साले ने तेरे को लॉकअप में नंगा करके मारा है। उस सांड की औलाद को मैं भरे बाजार में कपड़े उतार के मारूंगा। तू क्या सोच रहे विकी? जिस लौंडिया की वजह से ये सारा लफड़ा हुआ है, अब मेरी भी जिद है कि मैं उससे शादी करके उससे एक रात की दुल्हन जरूर बनाऊंगा। तेरी ये जिद अच्छी लगी, जानता है क्यों? क्योंकि वो लौंडिया जस्टिस चौधरी के भाई की महबूबा है। वाह बेटे, ये जिद तो मुझे भी अच्छी लगी। उस लौंडिया की इज्जत के साथ खेलने का मतलब है जस्टिस चौधरी के साथ बलात्कार। टकराल सेठ, आप बोले तो उस लौंडिया को अभी उठा लाते हैं। वो तो आपके बोलने पर मैं अंडरग्राउंड हो गया था, वरना उस जस्टिस चौधरी के साथ अपना भी बहुत पुराना हिसाब बाकी है। तुम्हें हिसाब चुकाने के लिए पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। उस लौंडे को कब उठाना है उसका मौका मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज हम इतने खुश क्यों हैं? सर, आज आपने हथियारों का ट्रक पकड़कर पुलिस डिपार्टमेंट का तो नाम ही रोशन कर दिया। सर, ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। आपकी तरक्की होने वाली है, आप इंस्पेक्टर से सीनियर इंस्पेक्टर बनने वाले हैं। सर, इस खुशी में तो पार्टी होनी चाहिए। अरे पार्टी क्या, चकाचक पार्टी होवेगी। एक शेर अर्ज करूं? सर, 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 आज मैं सुनाऊं एक शेर। बरसेगा पानी और हम सब नहाएंगे, प्रमोशन की खुशी में नाचेंगे गाएंगे। चौधरी साहब,
टोगड़ा को पुलिस गैर कानूनी हथियारों का धंधा करने के आरोप में बुरे तरीके से ढूंढ रही है। सारमा चारों तरफ अपने आदमी लगाई दो। डोगरा कोनो हालत में पुलिस के हाथों नहीं लगना चाहिए। अगर आप कहें चौधरी साहब, तो डोगरा को मौका मिलते ही हम लुढ़का देते हैं। नहीं, डोगरा हमारा जाति दुश्मन है। उसकी जिंदगी पर मौत की मुहर हम खुद ही लगाएंगे। शहर में चारों तरफ नाकाबंदी कर दो। हरी आप इस तरह से कब तक छुपे रहेंगे? वैसे भी आपकी जान को खतरा है। टीवी में आपकी फोटो आ चुकी है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे सिविल ड्रेस में पुलिस तैनात है। जस्टिस चौधरी भी खामोश नहीं बैठा होगा। उसने भी अपने आदमियों की फील्डिंग आपके पीछे लगा दी होगी। मेरे ख्याल से आप बाय रोड नेपाल चले जाइए। नेपाल चला जाऊं? बाय रोड नेपाल चला जाऊं? उस जस्टिस चौधरी ने मेरे दोनों बाजू काट डाले, मेरे दोनों भाइयों को जान से मार डाला। मैं नेपाल चला जाऊं? नहीं, जब तक उस जस्टिस चौधरी के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े ना कर दूं। मैं ये शहर छोड़ने वाला नहीं हूं। घर की लाइट चली गई, चलो जल्दी। चाचा यही है वो, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं विकी, अभी नहीं, कल सुबह देखते हैं, उसको घर से उठाते हैं। चल। अब वो जमाना तो रहा नहीं बहन जी, जब माँ बाप अपनी बेटी बेटियों का रिश्ता खुद तय किया करते थे। अब तो लड़के लड़कियां खुद अपना रिश्ता चुन लेते हैं। जब राहुल और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैं कौन होता उनकी खुशियों में बाधा डालने वाला? मुझे ये शादी मंजूर है। ठीक है भाई साहब, फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर दोनों की शादी करवा देते हैं। जैसी आपकी मर्जी। राहुल बाबा की शादी के बाद सुनकर चौधरी साहब बहुत खुश होंगे। माँ जी, काशी प्रसाद जी, ये शादी इतने धूमधाम से होगी कि सारा शहर याद रखेगा। ये लीजिए मिठाई, खाइए। ये लीजिए, आप भी लीजिए। माँ जी लीजिए। राहुल बाबा, ए चल। कैसी तबीयत है? Nothing to worry about. He's all right now. इनके जिस्म से सारी गोलियां निकाल दी गई हैं। सिर्फ इन्हें 24 घंटे बेहोश रहना होगा। डॉक्टर छोटन कहाँ है? छोटन उस कमरे में है। छोटन, छोटन,
बाबा, अब कैसा है चौधरी साहब? अब ठीक है, घबराने का कोनो बात नहीं है, अब तुम भी ठीक हो जाओगे। चौधरी साहब, अगर राहुल बाबा को कुछ हो जाता चौधरी साहब, तो हम आपको आपको मोदी का काबिल नहीं रह जाते चौधरी साहब। चौधरी साहब, हमारी ड्यूटी अब पूरी हो गई चौधरी साहब। छोटन राहुल कैसन है बबुआ? राहुल की जान को कोनो खतरा नहीं है माई, लेकिन छोटन हमको छोड़कर चला गया। हम तो का हमेशा गलत समझे बबुआ, पर आज आज हमका एहसास हुई गवा कि अपराधियों के खिलाफ हथियार उठाना और उनको मिटाना कौनो पाप नहीं है। अजगर ठकराल हमरे घर की होने वाली बहू हमरे घर की इज्जत को उठा ले गया है बबुआ। आज अपने घर की इज्जत की खातिर तुहार माई तो का हथियार उठाने को कहते हैं। जाओ और अंजलि को उन दरिंदों से छुड़ा कर लाओ बबुआ। और इस लड़ाई में तू उन पापियों का नाश करते हुए मर भी गया तो हमका कौन अफसोस नहीं होगा बबुआ। पंडित जी जल्दी कीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वात्मा के चरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम पकड़ो इसे। ये तो मर गया, अब तू भी मर जा। आ,
वो दरिंदा माई जिसने पिताजी बहन और कामना को हमसे छीन लिया। पैसा कमाने के लिए अपराध का रास्ता हमने नहीं चुना था माई, बल्कि राक्षस को ढूंढने के लिए। हमने दिल ही दिल में कसम खाई थी ही का मार के इसकी लाश तेरे कदमों पे डालेंगे, उसके बाद अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे। बेटा Oh, my God.